कहते हैं जब किस्मत देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है और जब देती है तो धोती का रुमाल कर देती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जो कि कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में छठे नंबर पर था और आज वर्तमान में वो चाहकर भी लोगों का लोन नहीं चुका पा रहा है। वो अपने वकीलों की फीस देने के लिए अपने घर के जेवर बेचने के लिए मजबूर है। ये कुंडली है अनिल अंबानी की, 2008 में जिनका नाम दुनिया के 6 सबसे अमीर लोगों में आता था और वर्तमान में इनके ऊपर इतना लोन चढ़ चुका है कि पिछले एक साल में ये लगभग 10 करोड़ रुपए के जेवर बेच चुके हैं और वर्तमान में इनके पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको बेचकर ये अपना कोई कर्जा चुका सकें या फिर अपने वकीलों की फीस दे सकें, ऐसा इनका स्टेटमेंट कोर्ट में है। चाइनीज कंपनीज का बहुत सारा कर्ज इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या योग है इनकी कुंडली में जिन्होंने इनको अर्श से फर्श पर ला दिया? कभी खरबपति लोगों की सूचियों में शुमार इस शख्सियत को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल एस्ट्रो सूत्रा का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। यहां बोर्ड पर आप जो कुंडली देख रहे हैं ये मकर लग्न की कुंडली है और ये अनिल अंबानी की कुंडली है। हम लगन से ही विश्लेषण करना शुरू करेंगे और जानेंगे उन सभी योगों को जो कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो ऐसे लोगों को एक समय धन की बड़ी भारी परेशानी हो जाती है, अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता। 2005 में इनका पारिवारिक बंटवारा हुआ था और पारिवारिक बंटवारे के बाद 2008 में ये अपने ही दम पर पिता से मिली उस संपत्ति को इन्वेस्ट करके नई नई कंपनीज खोलकर 2008 में ये दुनिया के 6 सबसे अमीर लोगों की सूची में आ गए थे। किंतु उसके बाद किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि अनिल अंबानी को लोग भूलना शुरू हो गए, उनकी कंपनीज घाटे में जाने लगी। आपने देखा होगा रिलायंस के मोबाइल्स वगैरह, रिलायंस के पेट्रोल पंप्स वगैरह, ये सभी बंद हो गए और आज जो स्थिति है वो आपके सामने है। मकर लग्न में अगर आप देखेंगे लग्नेश अपने 12 भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है और मकर लग्न में क्योंकि शनि ही लग्न में द्वित्वेश होता है जो कि आपके धन का स्वामी होता है, उसका व्यय भाव में जाना ये अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह नहीं है। पहला पॉइंट ये है। हालांकि शनि की दृष्टि धन भाव पर है, मैं नारी दृष्टि की बात कर रहा हूं, जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट होती है आप उसको भी ले सकते हैं और जो पराशरी में आप तीसरी दृष्टि लेते हैं उसको भी ले सकते हैं। मैं तो खैर नारी के सिद्धांतों से यहां पर इस चार्ट को एनालिसिस करूंगा, तो आप पराशरी के हिसाब से भी ले सकते हैं कि शनि की दृष्टि धन भाव पर है और नारी के हिसाब से भी जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट है वो भी यहां धन भाव पर है। इसने इनको धन तो दिया किंतु धन संभालने की शक्ति नहीं दी। हम ये नहीं कह सकते कि अनिल अंबानी जी ने अपने किसी काम की वजह से या किसी गलत आदत की वजह से कोई धन का नुकसान कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ कमाने की इच्छा से कोई भी इन्वेस्ट करता है, किंतु किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती, ये सभी किस्मत के हाथ में होता है। अगर हमारा डिसीजन सही हो जाए, अगर हमारे लिए हुए स्टेप सही हो जाए तो दुनिया कहती है कि हम सिकंदर हैं, और वही हमारे स्टेप्स अगर गलत हो जाए तो दुनिया हम पर उंगली उठाती है। इसलिए हमें अनिल जी के किसी भी एक्ट पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे सोच समझकर लाभ कमाने की आशा से ही सब कुछ किया था किंतु किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो लग्नेश और द्वितीयेश इनका व्यय भाव में है, ये अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, आप देखेंगे धन के लिए जो मुख्य भाव है वो है दो भाव, पंचम भाव, 11 भाव। दो भाव आपके धन को शो करता है, 5 भाव आपके उस इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है जिसके माध्यम से आप धन कमाते हैं। अगर आपका पंचमेश स्ट्रांग नहीं है तो आपका दो भाव कितना भी स्ट्रांग हो, आपके पास कितना भी धन हो, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 11 भाव, क्योंकि ये आपके लाभ का भाव है, धन तो आपके पास बहुत है, बिजनेस भी है आपके पास। दसम भाव आपके बिजनेस को शो करता है, आपके पास बिजनेस भी है मगर उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत आगे नहीं जा सकते। यहां पर हम 10 भाव भी ले लेते हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा बिजनेस होगा तभी एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, जब अच्छा प्रॉफिट आएगा तो ही आपके दो भाव यानी कि बैंक बैलेंस या आपके परिवार का धन बढ़ेगा, आपका सप्तम भाव इसका बैलेंस बढ़ेगा।
तो आप इन सभी चीजों को अगर देखेंगे, इन सभी चीजों का एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या योग है अनिल अंबानी की कुंडली में जिन्होंने इनको आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। आप देखेंगे लग्नेश यहाँ कमजोर है, द्वितीयेश यहाँ पर कमजोर है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पंचम भाव की स्थिति देखनी होगी, पंचमेश की स्थिति देखनी होगी। पंचम भाव में अगर आप देखेंगे चंद्र यहाँ पर उचका होकर बैठा है, आप कहेंगे कि चंद्र उचका होकर बैठा है बहुत अच्छा योग है। अगर पंचम भाव में कोई ग्रह उचका होकर बैठा है तो डेफिनेटली पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल इनके पास बुद्धि है, उन्होंने उस बुद्धि का प्रयोग भी किया। किंतु आप देखेंगे चंद्र की स्थिति यहाँ पर, चंद्र यहाँ पर पापी है, अमावस्या का चंद्र है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि अमावस्या का चंद्र या अमावस्या योग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उसका एक केवल ये रीजन है कि अमावस्या योग में चंद्रमा पापी होता है, नुकसान देने की स्थिति ज्यादा होती है। पंचम भाव में एक ग्रह उचका होकर बैठा है और पाप स्थिति में बैठा है, यानी कि उच्च स्थिति का पापी ग्रह, जो कि इनके माइंड को पूरी तरह से इधर से उधर भटकाने के लिए पर्याप्त है। और क्योंकि पंचम भाव में उचका ग्रह बैठा है, चंद्र उचका होकर बैठा है, तो इनकी इमेजिनेशन पावर, इनकी सोचने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, और 2005 के बाद, 2000 पारिवारिक बंटवारा होने के बाद 2008 में ही अपनी सोच के दम पर, अपने बिजनेस के दम पर, अपने इन्वेस्टमेंट के दम पर ही इतने ऊंचे पहुंच गए। किंतु पापी है तो कहीं ना कहीं आपसे गलत डिसीजन भी दिलवाए गए। मैंने सूर्य चंद्र वाली वीडियो में आपसे कहा था कि अमावस्या युग कभी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता, फाइनेंशियल मैटर्स में दे सकता है, मगर इसी योग की वजह से इनको इतनी नेम फेम भी मिली, इस योग की वजह से इनको पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिली। पैटर्नल प्रॉपर्टी का और क्या योग है, वो भी बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं दावा करता हूं आपको YouTube पर इतनी डिटेल्ड वीडियो कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद आप देखिएगा पंचम भाव में एक पापी ग्रह बैठा है, बुध बैठा है पंचम भाव में, जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है, एक अच्छे मन बुद्धि योग को शो करता है। किंतु चंद्र की पापी स्थिति में इनसे कुछ गलत डिसीजंस लिए गए। उसके बाद आप पंचमेश की स्थिति देखेंगे, क्योंकि केवल पंचम भाव से काम नहीं चलता भाई, भाव, भावेश और कारक तीनों को आपको लेना पड़ता है। तो पंचमेश की अगर स्थिति आप देखेंगे, पंचमेश शुक्र है जो कि कर्क राशि में बैठा है। मैंने अपने बहुत सारे लाइव सेशंस में और बहुत सारे वीडियोस में आपसे क्लियरली कहा है कि कर्क राशि का शुक्र नीच के शुक्र से भी ज्यादा खराब फल देता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र कर्क राशि में बैठा है तो उसको फाइनेंशियल मैटर्स में, उसको मैरिड लाइफ मैटर्स में, उसको शुक्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानी देगा ही देगा। उस चीज को आप इस चार्ट में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पंचम भाव का कारक कर्क राशि में बैठा है, जो कि शुक्र है, वो यहां पर कर्क राशि में बैठने से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और बहुत ही अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता। ये एक बड़ा कारण है कि इनकी जो थॉट्स थी, इनके जो डिसीजंस थे, वो गलत पड़े। उसके बाद आप शुक्र की स्थिति और भी देखिएगा, क्योंकि केवल किसी ग्रह के किसी राशि में बैठने से हम डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर केवल हम ये कहें कि कर्क राशि में शुक्र बैठ गया, सबका ही कमजोर रहेगा, अगर कहीं से उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रही है, कुंडली में कोई पॉजिटिव योग बन रहा है, तो शुक्र अपनी स्ट्रेंथ पा भी सकता है। मगर आप इस कुंडली में देखेंगे शुक्र के त्रिकोण में केतु बैठा है, जो नाड़ी एस्पेक्ट है। शुक्र और केतु का योग इस कुंडली में बन रहा है और शुक्र के लिए केतु उसका सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। अगर कर्क राशि का शुक्र हो और उस पर राहु और केतु का अगर प्रभाव आ जाए तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके बाद आप देखेंगे यहां मंगल भी बैठा है। हालांकि शुक्र और मंगल के योग को मैंने हमेशा बहुत ही अच्छा कहा है, किंतु मंगल आप अगर देखेंगे यहां पर नीच का होकर बैठा है, पंचमेश पर एक नीच ग्रह का और प्रभाव आ गया। तो यानी कि किसी ना किसी तरह से आप कहेंगे कि इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये बहुत अच्छा डिसीजन ले पाया। और क्योंकि सप्तम भाव में ये योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में ये योग बन रहा है और सप्तम भाव के व्यापार को शो करता है, और आपके दशमेश के साथ ये योग बन रहे हैं, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र दशम भाव का भी स्वामी है। इस कुंडली में शुक्र पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी है, यानी कि आपकी बुद्धि और आपके प्रोफेशन का। तो दोनों ही यहां पर कमजोर होने से इस तरह के योग बने कि आपने व्यापार से रिलेटेड गलत डिसीजंस लिए, जो कि आपको नुकसान देगा। उसके बाद आप देखिएगा शुक्र धन का फिक्स कारक है। मैंने आपसे कहा भाव, भावेश और कारक भी आपको लेने पड़ेंगे। मान लीजिएगा द्वितीयेश यहां कमजोर है, कोई बात नहीं, अगर धन का जो फिक्स कारक है शुक्र,
अगर वो स्ट्रांग हो जाता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो कंगाल हो जाए, वो दिवालिया होने के कारगर पर आ जाए। आप देखेंगे दो भाव का जो नैसर्गिक कारक है शुक्र है, सप्तम भाव का जो नैसर्गिक कारक है शुक्र है, वो यहाँ पर इन सारी स्थितियों में फंसकर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये शो करता है कि लाइफ के एक टाइम इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। अब आप कहेंगे कि भाई इनकी लाइफ के स्टार्टिंग पीरियड में क्यों नहीं थी, क्यों इनका जन्म ध्रुव भाई अंबानी जैसी बड़ी शख्सियत के घर में हुआ, क्यों ये शुरू से ऐसे नहीं थे, क्यों इनको अब इसी स्टेज में आकर ये सारे नुकसान हुए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर बैठे सूर्य के ऊपर, और सूर्य कौन है, सूर्य है आपके पिता का कारक, जो डेफिनेटली शो करता है कि आपके पिता का स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है, गुरु सूर्य युति वाली अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो उस व्यक्ति का जन्म जनरली बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली में होता है, बहुत ही धनाढ्य फैमिली में होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सूर्य के साथ एक कुछ का ग्रह बैठा है जो कि चंद्र है, तो ये शो कर रहा है कि पिता की जो स्थिति है वो काफी हाई है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर शुक्र और चंद्र का परिवर्तन है, शुक्र और चंद्र का परिवर्तन होने से सूर्य को शुक्र ज्वाइन करता है, यानी कि पिता ने बहुत मेहनत की, इधर से उधर आया गया, पिता ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, बहुत बड़ा बिजनेस किया और उससे उसने धन गेन किया। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो और वहां पर बुध और शुक्र से भी संबंध बनता हो, तो ऐसे लोगों को पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है, जो कि इनके साथ हुआ। इनको 2005 में पारिवारिक बंटवारे में एक बहुत बड़ी पैटर्नल प्रॉपर्टी मिली, पिता का बहुत ज्यादा धन मिला, एक व्यापार मिला, उसको इन्होंने बहुत अच्छे करके चलाया भी। 2008 में ये दुनिया के छठे नंबर के रईस थे। उसके बाद जब स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा शुक्र यहां पर कमजोर है, कमजोर शुक्र ने प्रभाव देना शुरू किया, तो उनकी ये स्थिति आ गई। जब शुक्र कमजोर होता है तो अक्सर लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि बनी बनाई दौलत, बनी बनाई शोहरत धराशायी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे शनि का शुक्र से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है इनकी कुंडली में, पैटर्नल प्रॉपर्टी इनको जरूर मिली, हम यहां पर कह सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुक्र का बहुत ज्यादा स्ट्रांग संबंध नहीं है तो ऐसे लोग कमाते तो हैं, वहां पर अगर वो कमाते हैं तो उनको अपनी कमाई का ध्यान रखना चाहिए, और या फिर उनके साथ ऐसा होता है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा होती है उन लोगों के पास, अगर वो बहुत स्ट्रगल करके कमाते हैं और वे अगर उसको संभाल ना पाए तो नुकसान हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि का सूर्य से संबंध है, क्योंकि शनि वक्री है, तो ये भी एक शो करता है कि आपने आपके पिता का व्यापार वगैरह फॉलो किया। अब बात आती है कि वर्तमान समय में ही इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये इस समय इस स्थिति में आ गए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि शनि के सबसे बड़े शत्रु ग्रह हैं मंगल और केतु। आप वर्तमान का गोचर देखेंगे, आप देखेंगे पिछले 1.5 साल थे केतु यहां धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, और धनु राशि में कौन बैठा है, इनका लग्नेश और द्वित्वेश जो कि शनि है, शनि के लिए शत्रु ग्रह है, यानी कि इनके लग्न पर, इनके धन पर, दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट डाला है, इनके व्यापार पर नेगेटिव इफेक्ट डाला है, क्योंकि इनके धन का स्वामी जो है शनि है। शनि आपके प्रोफेशन का नैसर्गिक कारक भी है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि केतु का संबंध बनता है गोचर में, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये स्थिति जहां तक मैं समझता हूं, इनकी ये स्थिति बननी शुरू हुई होगी पिछले 3 साल में, जबकि जब इनका लगन 3 से 4 साल से इनकी ये स्थिति बननी शुरू हुई होगी कि ये इस तरह से डाउन होते गए, जब इनके दो भाव से केतु गोचर कर रहा होगा, दो भाव लगन और उसके बाद इनके व्यय भाव, जब इसमें केतु ने गोचर किया तो इनकी स्थिति खराब होती गई। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि वो व्यक्ति अपने धन का संचय कर चले, बहुत बड़े रिस्क ना ले। उसे अगर कोई कारोबार करना है, किसी दूसरे पर्सन के साथ काम करे, पार्टनरशिप में कारोबार करे, या अपने किसी ऐसे फैमिली मेंबर के नाम से कारोबार करे कि जिसकी कुंडली में इस तरह के योग ना हो, जिसकी कुंडली फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रांग हो
होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो जुड़े रहिएगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।